अच्छा वो तो जंगल में रहते हैं जी सही। साइन था हुक्म है कि मास्क पा के आए, उनको मेहरबानी है बंदा बगैर मास्क तो आए कोई तेरे पीर साहब नहीं आया तेरे पीर पीर उनके काल में इफ्तारी है जी सही जी। क्यों जाओगे मोटरसाइकिल वाले से वो साइकिल तो आया पर पता चला के थे जैसे कि पिछले साल गए थी इतने थोड़े दिन पहले उन्होंने महफल से एफ डी ए सिटी पता है सही एड्रेस लिखा शेड्यूल के ऊपर घर के इफ्तिताह से जी घर के इफ्तिताह से गए थी सही सारे किस दिन है अपनी सही जुमे नु आखिरी जुमा जी सही आखिरी जुमा याद रखे यार जी सही इतने बनाने के उथे जिथे हुक्म इथे ही कर लेंगे सही इतने छोटी जी जी सही इथे ही जुमे रात सही है बड़ी जुमे रात चौथी जुमे रात से जी जी याद रखना जी सही ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗਾਹੇ ਧਰਮ ਫਰਮਾਓ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਈਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਨਾਇਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ और मास्क पाया करो दस्ताने जे कर सकते हो तो जरूर किता करो है आसना मिलाया करो जी सर जी सर जब पीना पाया पानी ना पीता तौलिया इकट्ठा ना करे इस्तेमाल कर साबुन इकट्ठा ना हो साबुन तो इकट्ठा ही होता साले तौलिया भी इकट्ठा ही होता ਇਹ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਸਾਂਸ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਜੱਫੀ ਸਾਬਣ ਤੌਲੀਆ ਰੇਜ਼ਰ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਮੋਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਯਾਰ بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے منے بودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا ان کے نام کے گل گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کم کار دیئے نسل سار دیئے کم گل ساری سرکار دیئے جو ڈوبے میرے تارے دیئے جو ڈوبے میرے تارے دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے فرمایا ہے میرے نبی نے بے دنیا پہ حشر نہ منکرا بے
गलियां पे खलक तो नान पई पुकार दिए हां खलक तो नान पई पुकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए मैं नहीं करदा आज कहदा दुनिया नारे मारे दिए सुन दे दुनिया नारे मारे दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए गल सारी सरकार दिए जब भी मांगो जरूर देते हेलो अस्सलाम वालेकुम ओ फारूक साहब ना मिलेंगे जी सर दोबारा फरमाना जी फारूक साहब ना मिले जी जी कह रहे फोन पे गल हो गई उन्होंने किसे दौरे पे निकले अच्छा ठीक है जी लिख के भेज देंगे सही कह दे बात होगी बस ठीक है अच्छा जी फरमान आका कहे अनाथा सिमर फरमान हर किसी को हुजूर देते हैं
किसी को हुजूर देते हैं, अकेला हुजूर देते हैं, देते हैं अकेला हुजूर देते हैं। हमने सीखा है अपने मुर्शिद से, हमने सीखा है अपने मुर्शिद से, ना भी मांगो हुजूर देते हैं, ना भी मांगो हुजूर देते हैं, हुजूर देते हैं, दे दे हैं अकेला हुजूर देते हैं। हमने सीखा है अपने मुर्शिद से, हमने सीखा है अपने मुर्शिद से, नात कोई भी सुन नहीं सकता, ये सादत हुजूर देते हैं, ये सादत हुजूर देते हैं, है अकीदा हुजूर देते हैं, देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं, देते हैं अकीदा हुजूर देते हैं। हमने सीखा है अपने मुर्शिद से, हमने सीखा है अपने मुर्शिद से, दे दे हैं, दे दे हैं
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ करम की भीख मिले तो आयात बनती है हुजूर, आप नवाजे तो बात बनती है। मौजूद हाजरीन, अकीदा खत्मे नबूवत इतना नाजुक मसला है कि बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो गुनाहगार जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। अरकान इस्लाम अदा नहीं करता, रोजा नहीं रखता, हज अदा नहीं करता इस्लाम के बावजूद, जकात नहीं देता तो वो गुनाहगार जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। बेईमान बंदा कब होता है? जो ही बंदा कहता है हजूर आखिरी नबी नहीं है उसी लम्हे बंदा बेईमान हो जाता है। या जिस तरह के देवबंद कहते हैं कि कोई और नबी भी आ जाने से हजूर की खातम नबीयीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहने से भी बंदा बेईमान हो जाता है। तो हजरात ये इतना नाजुक मसला है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाता है हजरात, ये उस रब की बात है जो सारे इल्मों को जानता है। अल्लाह फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन وقال الله بكل شيء عليم। अल्लाह फरमाता है बेशक मेरे महबूब तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं और अल्लाह वो है जो हर चीज का जानने वाला है। तो हजरत अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी कि मेरा महबूब आखिरी नबी है। हजूर करीम की बारगाह अक्दस में अर्ज की गई या रसूल अल्लाह आप किस किस के नबी हैं, तो इसका जवाब भी अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, ऐ महबूब आप खुद इरशाद फरमा दीजिए कि मैं पूरी कायनात के लिए नबी बन के तशरीफ लाया हूँ, पूरी इंसानियत के लिए नबी बन के तशरीफ लाया हूँ। तो एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक बंदा गो लेके हुजूर करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह ये गो आपकी गवाही दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा, मैं आप पे ईमान ले आऊंगा। हुजूर करीम ने इशारा फरमाया, आपने इशारा फरमाया गो बता तू किस रब की इबादत करती है। वर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं उस रब की इबादत करती हूँ जो जन्नत का मजर है दोजख का मजर है। तो हुजूर करीम ने इरशाद फरमाया ए गो बता मैं कौन हूँ, तो वो गोज करती है या रसूल अल्लाह मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। तो मेरे अर्ज है कि गो को किसने बताया कि हजूर आखिरी नबी है, और जानवरों को किसने बताया हजूर आखिरी नबी है? हजरत ये मेरे रब ने बताया है जिसने इरशाद फरमाया कि मैं आपको पूरी कायनात के लिए नबी बना के भेजा। तो हजरत जब अपनी बारी आई तो रब फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तमाम आलमीन का रब हूं। तो जब अपने महबूब की बारी आई तो इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब जिस जिस आलम का मैं रब हूं उसी उसी आलम का मेरा महबूब नबी और रसूल है। तो हजरत ये भी मेरे आका मौला की खत्मे नबूवत की दलील है। जब हुजूर करीम ने तो ये आयत मिसाल पढ़े उसमें अल्लाह ताला नबियों से क्या फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है कि जब मैं तुम्हें इल्म और हिकमत दे दूं, किताबें दे दूं, शरीयतें दे दूं तो तुमने क्या करना है? हाँ या अल्लाह क्या करें? फरमाया जब मेरा महबूब तुम्हें तशरीफ ले आए तो तुमने क्या करना है? तुमने उन पर ईमान भी लाना है और उनकी मदद भी करनी है। तो हजरात ये बात फरमाने के बाद अल्लाह फरमाता है क्या तुम इकरार करते हो, ये बात तस्लीम करते हो? हाँ या अल्लाह हम सब मान गए। फरमाया अब एक दूसरे पे गवाह हो जाओ। जब सारे नबी एक दूसरे के गवाह हो गए तो अल्लाह फरमाते हैं अब मैं तुम सब पे गवाह हूं। तो हजरात ये बात फरमाने के बाद अल्लाह फरमाता है अगर तुमने ऐसा ना किया, अगर मेरे महबूब पे ईमान ना लाए, मेरे महबूब की मदद ना की तो तुम फासिकीन में से हो जाओगे। ये तो अल्लाह नबिया कराम से फरमा रहा है, यार तू मैं किस खेत की मूली है? ये अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरे महबूब के ताबेदार रहे तो तुम्हें ईमान नसीब होगा, तुम्हें शरीयतें दूंगा, इल्म और हिकमत देगा, हर चीज दूंगा। तो हजरात ये आयत भी मेरे आका मौला की खत्मे नबूवत की दलील है कि अगर कोई और नबी आना होता तो अल्लाह उनसे हरगिज ये वादा ना लेते। ये आयत मुबारक भी मेरे आका मौला का ये सबूत है कि मेरे महबूब ना सिर्फ पूरी कायनात के नबी है बल्कि नबियों के भी नबी मेरे आका मौला है। तो जब आखिरी हज हुजूर करीम ने किया खुतबा हजतुल विदा में अल्लाह फरमाता है कि ए महबूब आज हमने आपके लिए आपका दीन मुकम्मल फरमा दिया।
हमने आप पे अपनी नेमत को पूरा कर दिया और आपके लिए इस दीन इस्लाम को पसंद फरमा दिया। हजरत नेमत से मुराद मेरे आका मौला की जात है, हजूर करीम अलैहिस्सलाम की जात है, और जो नेमत अल्लाह ताला ने पूरी की है वो हजूर की खातमुन नबी ही नहीं है कि हजूर के बाद कोई नबी नहीं है, ये मेरे रब का फैसला है। फिर हजूर करीम ने हमें कैसे खत्मे नबूवत की दलील अता फरमाई, हजूर करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जमीन के मिट्टी के जर्रात की तादाद के बराबर कसम उठाता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। फिर हजूर करीम ने इरशाद फरमाया ना खातमुन नबीयीन ला नबी आबादी, हजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया प्यारे उमर अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो तू होता, लेकिन अब अल्लाह का कानून दस्तूर ये है कि अल्लाह ताला मेरे बाद कोई नबी नहीं भेजेगा। शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला ने उसे इरशाद फरमाया ऐली तेरी निस्बत मेरे साथ ऐसी ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम, लेकिन अब अल्लाह का कानून ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल के साथ हजूर करीम ने बात वाज़े फरमा दी। कुरान करीम में एक जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मिसाल के साथ बात समझाओ, लोगों की अकल की सतह में बात करो, मिसाल के साथ बात समझाओ ताकि लोगों को समझ आ जाए। हजूर करीम ने फरमाया मेरी और अंबिया कराम की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक खूबसूरत इमारत तैयार कर दी जाए और उसमें एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी जाए। हजूर फरमाया कि तमाम अंबिया कराम तशरीफ ला चुके, अब वो जो एक ईंट की जगह खाली थी वो अल्लाह ने मेरे जरिए पूरी फरमा दी है, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है। ये हजूर करीम का फैसला है, हजूर करीम ने इरशाद फरमा दिया। और हजूर करीम का फरमान मुबारक की हैसियत क्या है, अल्लाह फरमाता है वकील ही मुझे इस नबी के कहने की कसम, जो फरमाते हैं वो हक फरमाते हैं। तो हजरात ये मेरे आका ने फरमाया कि मेरे बाद अब कोई नबी नहीं है। तो सहाबा कराम ने खत्म नबूवत का दिफा कैसे किया, जब हजूर करीम के दौरे अकदस में मुसलमा कजाब ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया तो उसने हजूर करीम को एक खत लिखा, उस खत में यह था कि या रसूलल्लाह आप इरशाद फरमा दे, ऐलान फरमा दे, या आधे अरब के आप नबी आधे अरब का मैं नबी, अगर ये नहीं तो आप इरशाद फरमा दिए कि माजल्ला के सारी रिसाले अकदस के बाद लोग मुझे नबी तस्लीम कर ले। तो हजूर करीम ने इसका खत जवाब देना भी जरूरी समझा, आपने इसका जवाब अता फरमाया, इसके जवाब में खत लिखा, उस खत की पहली लाइन में लिखा मुसैलमा कसाब, दूसरी लाइन में लिखा हजूर फरमाते हैं कि जमीन अल्लाह ताला की है वो जिसे चाहे इसका वारिस बना दे। खत लिख के आपने सहाबा करम की महफिल लगी हुई थी, हजूर करीम फरमाया भाई कौन है जो ये खत उसके पास लेके जाए, तो एक बूढ़े साहबी हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूलल्लाह ये खत मैं लेके जाऊंगा। तो हजूर करीम ने अपना घोड़ा मुबारक अता फरमाया, नेजा मुबारक अता फरमाया और थपकी दे के इरशाद फरमाया कि हबीब उसके पास जाओ जरा डट के जाना, तो गुस्ताखे रसूल के सामने डट के खड़े होना ये मेरे आका की खुशी का बायस है, मेरे आका का हुक्म है कि ए हबीब जाओ उस गुस्ताख के सामने जरा डट के जाना। तो जब आप तशरीफ ले गए आपने जाते ही अपना नेजा जमीन में गाड़ दिया तो वो पूछता है कि कौन हो, किस काम से आए हो, आपने इरशाद फरमाया कि हम चेहरों से पहचाने जाते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं। वो पूछता है कैसे आए हो, आपने फरमाया कि तेरे खत का जवाब लेके आया हो, उसने खत पकड़ा दरबारी को दिया कहा जरा ऊंची आवाज से पढ़ो, तो जब उसने पहली लाइन में पढ़ा ना मुसैलमा कज़ाब तो गुस्से में आ गया, हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहता है कि तेरे नबी ने मुझे कज़ाब फरमाया है, तेरा इसके बारे में क्या ख्याल है। तो हजरात उन्होंने ये इरशाद फरमाया जो कि आज हर अहले ईमान का अकीदा होना चाहिए, उन्होंने फरमाया जिसे मेरा नबी कज़ाब कहते वो कज़ाब है। तो उसने कहा जरा पीछे मुड़ के देख मेरे इतने सिपाही हैं एक मिनट में तुझे शहीद कर देंगे। तो वो फरमाते हैं कि मैं जब मदीना मुनव्वरा से चला था जब मुझे हजूर करीम ने खत मुबारक अता फरमाया था तो मेरे इतने बच्चे हैं कुछ हो तो भी दूध पीते हैं, जब मैं चला था मैंने उनकी तरफ नहीं मुड़ के देखा, तेरे सिपाहियों की तरफ क्या देखूंगा, तो उन्होंने आपको शहीद कर दिया। इधर मदीना मुनव्वरा में हजूर करीम की आंखों से आंसू जारी हो गए, आप फरमाते हैं कि मेरे हबीब को शहीद कर दिया गया है और साथ ही खत्म नबूवत पे पहरा देने वालों का अजर भी अता फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि आज अल्लाह ने सारी जन्नतों के दरवाजे मेरे हबीब के लिए खोल दिए हैं। तो हजरात ये मेरे आका मौला का अता किया वो अजर है कि अल्लाह ताला खत्म नबूवत के मोहब्बत के लिए जन्नतों के सारे दरवाजे खोल देगा। हजरात हर दरवाजा एक बंदे के लिए है, कोई दरवाजा रोजेदार के लिए है, कोई हाजी के लिए है, कोई नमाजी के लिए है, लेकिन खत्म नबूवत
ये ऐसा अजीम काम है जो बंदा इस पे पहरा देता है अल्लाह सारी जन्नतों के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। तो हजरात ये सहाबा कराम ने पहरा दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि आज चाहे कोई कोई भी हो सारे के सारे यमामा के मौके पे पहुंचे। आपने जंगे यमामा फरमा के खत्मे नबूवत का तहफ्फुज किया। हजरात वो ऐसी अजीम जंग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हुजूर की जारी जमाना अकदस में 74 जंगें लड़ी गई जिनमें 259 सहाबा शहीद हुए, और ये अकेली जंगे यमामा जो सिर्फ और सिर्फ अकीदा खत्मे नबूवत के लिए लड़ी गई, इसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, 300 से ज्यादा कुरान के हाफिज शहीद हुए। हजरात ये इतनी अजीम जंग थी, इतना नुकसान हुआ इस जंग में, ठीक इसलिए सिर्फ हुजूर के अकीदा खत्मे नबूवत के तहफ्फुज के लिए। तो ऐसे सहाबा कराम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, उस पर अपनी जानें कुर्बान की। तो हजरात ये अकीदा खत्मे नबूवत पे सहाबा ने इस तरह तहफ्फुज किया, पहरा दिया। हजरत इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, आपसे किसी बंदे ने कहा, अर्ज की कि हजरत साहब फला जगह एक बंदे ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया है, आप मुझे इजाजत दें कि मैं उसे झूठा साबित करने के लिए उससे दलीलें मांगूं। तो आपने इरशाद फरमाया और खुदा के बंदे जिसने नबूवत का दावा किया है वो तो काफिर है ही है, और जो जाके उससे झूठा साबित करने के लिए भी दलील मांगेगा वो बंदा भी काफिर हो जाएगा। ये इतना नाजुक मसला है। तो एक ताबिया रसूल थे हजरत अबू मुस्लिम खुलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अस्वद अंसार नामी एक बंदे ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया, आप उसके मुकाबले में खड़े हो गए, तो उसके फौजियों ने आपको पकड़ लिया, उसके पास ले गए। अस्वद अंसार पूछता है हजरत अबू मुस्लिम खुलानी से कि ऐ अबू मुस्लिम खुलानी तू गवाही देता है मैं अल्लाह का रसूल हूं? तो आपने फरमाया मुझे सुनाई नहीं दिया। उसने 3 बार यही बात दोहराई, आपने 3 बार यही फरमाया कि मुझे सुनाई नहीं दिया। चौथी मर्तबा वो कहता है कि तू गवाही देता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? वो झट से बोले हाँ मैं गवाही देता हूँ हजूर अल्लाह के रसूल है, हाँ मैं गवाही देता हूँ, हाँ मैं गवाही देता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि जी इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, मेरी बारी आई तो इन्हें सुनाई नहीं देता, अपने महबूब की बारी आई तो झट से जवाब दे दिया, आग जलाओ इस बंदे को आग में फेंक दो। तो जब आग जलाई गई आपको लेके जाने लगे तो आप पूछते हैं भाई किधर जा रहे हो? वो कहते हैं जी आपकी सजा है कि आपको आग में फेंकना है। तो आपने इरशाद फरमाया पीछे हटो, छोड़ो मुझे, मैं खुद ही आग में जाता हूँ। 2 घंटे आग में बैठे रहे, आपके जिस्म अकदस को क्या जलाना था, आपके तन मुबारक के कपड़ों तक को आग ने नहीं जलाया। तो यहाँ पे हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अगर हो इब्राहिम का इमाम पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। तो एक बार हजूर की खत्मे नबूवत की तरफ पैर पड़ तो सही, इंशाल्लाह तेरी मदद के लिए भी अल्लाह खुद आए। उन्हें जलाया नहीं आग ने, तो हजरात उन्हें वहां से निकाल दिया गया। कहते हैं इसे यहां से मुल्क से निकाल दो, ये तो हमारा झूठ पकड़वा देगा। जब वो चलते चलते मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, हजरत उमर ने अपनी नूरे बसीरत के साथ पहचान लिया कि ये वही हस्ती है जो अकीदा खत्मे नबूवत को बचा के आई है। आपने फरमाया आओ मैं तुम्हें उस हस्ती की बारगाह में लेके चलता हूँ जिनका मकाम नबियों के बाद है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर के पास ले गए, आपने हजारों सहाबा की मौजूदगी में खड़े होकर उस हस्ती का इस्तकबाल किया और अपने और हजरत उमर के दरमियान में बिठा लिया। और वो हजरत अबू मुस्लिम खुलानी अर्ज करते हैं सिद्दीक अकबर आप मेरे लिए दुआ फरमाइए। आपने इरशाद फरमाया आज हम तेरे लिए दुआ नहीं करेंगे, आज आप हमारे लिए दुआ फरमाएंगे क्योंकि आप हजूर के खत्मे नबूवत को बचा के आए हैं। तो हजरात ये इज्जत और मकाम सिद्दीक अकबर ने हजूर के खत्म नबीयीन के बचाने वालों को अता फरमाया। आपने और मैंने पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मुनाजरा सुना हुआ है कि उन्होंने काने दज्जाल से कुछ दलीलें मांगी थी। पहली दलील ये थी कि तू हुक्म दे कि दरिया रावी अपना रास्ता छोड़ के मीनारे पाकिस्तान के पास से गुजरना शुरू कर दे, अगर तू नहीं कर सकता तो मैं अभी हुक्म देता हूँ, ये अभी होगा। दूसरा आपने फरमाया था कि एक लड़की हो जिसकी शादी ना हुई हो, अभी बच्चा पैदा करे, अगर तू नहीं कर सकता तो मैं हुक्म दूंगा, वो अभी करेगी। तीसरा आपने ये फरमाया था कि तू भी कागज कलम रख, मैं भी रखता हूँ, जिसका चल गया वो जीत गया। चौथा आपने फरमाया था या तो तू शेर बन के मुझे खा जाए या मैं शेर बन के तुझे खा जाऊंगा। तो हजरात वो भाग गया, वो मुनाजरे पे आए नहीं। तो हमारे मुर्शिद पाक ने हमारे पीर भाई को हुक्म फरमाया कि जाके पीर मेरे निशान साहब से अर्ज करें कि हजरत साहब इधर इमाम आजम का फतवा है कि दलील मांगनी नहीं, दलील मांगने वाला काफिर है, आपने तो कठी 4 ही दलीलें मांग ली। तो जब उनकी बारगाह में अर्ज की गई तो वो फरमाते हैं जी हजूर मेरे इल्म में है कि दलील नहीं मांगनी, इमाम साहब ने क्या फरमाया है? आपने इरशाद फरमाया कि मैंने उससे मुनाजरा इसलिए किया, मैंने उससे दलीलें इसलिए मांगी क्योंकि मुझे हजूर करीम का हुक्म था।
हजूर करीम ने खुद मुझे इरशाद फरमाया था कि जाओ उससे मुनाजरा करो, लेकिन हजरात आपके और मेरे लिए यही है इमाम साहब का फतवा है हमारे सर पे कि हमने दलील नहीं मांगनी। जो आपकी जिंदगी में मेरी जिंदगी में कोई झूठा नबी होने का दावा कर दे उसका सर तन से जुदा करके रख दे, यही उसकी सजा है। हजूर करीम ने भी इरशाद फरमाया मन सबा नबी जो किसी नबी के बारे में भोंके उसे काट के रख दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, ये उससे झूठे नबी की सजा है। तो हजरात आप पे और मुझ पे यही फर्ज है कि हमने दलील नहीं मांगनी। आज आपके और मेरे जिम्मे क्या है, हम पे आज फर्ज क्या है? जालिम अमरीका जिस बंदे को भी हुकूमत देता है वो दो बातें बिलखसूस मनवाता है। पहली तो ये कहता है कि जाके अकीदा खत्म नबूवत पे डाका मारो। वो कैसे के कादियानियों को मुसलमान करार दे लो आप? एक बंदा कहता है कि कादियानी हमारे भाई है, वो हमारे मुल्क को कौम का सरमाया है, अगर ये लोग तेरे भाई हैं तो जिन्होंने जंगे यमामा हजूर की खत्म नबूवत के लिए फरमाई फिर वो तेरे क्या हुए? तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि ये जो बंदे यहाँ पे मुसल्लत है ये किसके किसके कहने पे क्या काम कर रहे हैं। एक बंदा कहता है जी हमने अपनी इंसानियत का फर्ज अदा कर दिया, फलां तो हमने फलां लोगों से बचा के उसकी मर्जी के मुल्क में भेज दिया, हमने अपनी इंसानियत का फर्ज अदा कर दिया। तो जिसने इंसानियत सिखाई उसकी इज्जत का फर्ज उसे नजर नहीं आया। तो ये आप खुद ही फैसला फरमाने कि कौन बंदा किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। आज अगर अकीदा खत्म नबूवत को बचाने वाली जमात है तो वो तहरीक लब्बैक है। हजरात आप पे और मुझ पे अब फर्ज ये है कि हम वोट अपना तहरीक लब्बैक की खिदमत में पेश करें। अगर हम किसी को नहीं मार सकते, जुबान से जिहाद नहीं कर सकते, तो हजरात एक वोट तो हमें हजूर की इज्जत के लिए दे सकते हैं या नहीं? अगर बंदा नहीं देगा वोट तो हजरात जो भी बंदा तहरीक लब्बैक को छोड़ के दूसरी जमातों को वोट देगा उसका वोट अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ जाएगा। और हजूर करीम ने साफ फरमाया जिसकी मुशाबहत जिसके साथ होगी उसका हशर नशर उसी के साथ होगा। अब ये आप पे फैसला है कि आप हजूर के गद्दारों का साथ देते हैं या हजूर के गुलामों का साथ देते हैं। दो तीन दिन पहले हमारे पीर भाई तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझे ये ख्वाब सुनाया। आप फरमाते हैं कि जब मैं आखिरी धरना जो अपना हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब का था उस धरने में मैं हाजिर था तो मुझे ख्वाब आए सैयदना सिद्दीक अकबर ने मुझे ज्यारत का शर्फ बख्शा। आप तशरीफ लाए उनकी ख्वाब में और उन्होंने इरशाद फरमाया कि उम्मत को आज क्या हो गया, क्या सारी उम्मत मर गई है कि आज हजूर की इज्जत की बात हो रही है तो कोई बंदा बाहर नहीं आ रहा, कोई बंदा अपना फर्ज अदा नहीं कर रहा। आपने फरमाया कि मेरा बस चले तो आज ही मैं आसमानों से छलांग लगा दूं नीचे। सिद्दीक अकबर की नजर में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना लाजमी मजमून है ये अकीदा खत्म नबूवत। तो हजरात अल्लाह ताला हमें वो हया अता फरमाए कि हम भी हजूर की इज्जत के लिए अपना किरदार अदा करें, हाँ वोट के जरिए ही सही यार, वोट के जरिए ही सही। तो अल्लाह ताला हमें हक व बातिल की पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफा है जहां पे मुस्तफा है जाने रहमत पे बे हद सलाम शमाए बजने हिदायत पे बे हद सलाम पड़ गई जिस पे दम में दम आ गया इस निगाहे इनायत पे बे हद सलाम डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा अजमते औलिया मेरे पीरे तरीकत पे बे आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला हबीबे सैयदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारक व सल्लम। या रसूलल्लाह निगाहे करम फरमाए नजरे इनायत फरमाए सरकार को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए इनकी सारी आल औलाद खानदान पाक की खैर फरमाए उन्हें खुशियां अता फरमाए उम्र लग जाए मेरी मेरे पीर को इनका सब घराना सलामत रहे आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबे सैयदना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि बारक व सल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया बाला कर दे उजाला कर दे तो पहले करम की भीख मिले तो याद बनती है दूर आम वादे तो बात बनती है मौला के हुर्मत नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पीर रोशन जमीर बद्र मुनीर गौसे कबीर दामत बरकात वाले और सेहत कामना सेहत वाली
तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र का फरमा बोला दोस्तों दिया मेरे तेरे मुर्शिद के नानार पाकिस्तान के दोस्तों दिया सिलसिले हर बंदे की बेगार दुआ पूरा फरमा और अब भेज नबी पाते दरूद जितना तेरे नजदीक अदना का शुमार दरख्तों के पत्ते पानी के कचरे लेते सर जितनी तेरी नहमत है जितना तेरा फजल है मौला ये सल्ले वसल्लम दायमन नामता नामता कसीरन कसीरा मौला अली खान अली करोड़ा नाम ताता फरमा कितने वेकर तो पहले मरना चाहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर के मोहम्मद वाले वसल्लम इन बिरहमत का या रसूल।